जी, यहाँ क्वेश्चन है, निम्न में से किन पादप समूह के नर युग्मक धानियों में पैदा नहीं होते हैं? यहाँ ध्यान रखना है, हमें क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है नहीं होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ऐसा कौन सा पादप समूह है जिसमें नर युग्मक धानियाँ नहीं पाई जाती हैं? नर युग्मक धानियाँ यानी कि जिनको बोला जाता है पोधानियाँ, ठीक है, या हम कह सकते हैं इनको एंथ्रिडियम, ठीक है, एंथ्रिडियम भी कह सकते हैं इन पौधानियों को हम, जिनके अंदर एंथ्रोजोइड्स या नर युग्मक बनते हैं। एंथ्रोजोइड्स या क्या बनते हैं? नर युग्मक बनते हैं, ठीक है। तो ये किन में नहीं पाई जाती है, ये हमसे पूछा गया है, ध्यान से समझेंगे। तो मेन चीज है नर युग्मक। नर युग्मक जो है यानी कि मेल गेमिट, ठीक है, नर युग्मक को क्या बोल रहे हैं हम? मेल गेमिट, ध्यान से समझना इसको, मेल गेमिट, ठीक है। अब ये जो मेल गैमेट है ये किसमें प्रेजेंट नहीं हो, कोई विशेष प्रकार का खोल हो या कोई संरचना हो जिसके अंदर ये मेल गैमेट प्रेजेंट ना हो, ऐसी संरचना हमें नहीं चाहिए, ठीक है, वही पूछा गया है, नहीं होते हैं, पैदा नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई धानी नहीं हो जिसके अंदर मेल गैमेट बनते हो। तो यहाँ देखें हम, तो ब्रायोफाइटा के अंदर भी जो है एंथ्रिडियम पाई जाती है, प्रेजेंट होती है, टेरिडोफाइट के अंदर भी प्रेजेंट होती है, और स्पर्मेटोफाइट जो होते हैं जिसके अंदर टेरिडोफाइट और एंजियोस्पर्म दोनों ही आते हैं, इसके अंदर एंजियोस्पर्म भी आते हैं, तो इनके अंदर भी ऐसी ही जो है संरचनाएं प्रेजेंट होती है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर पराग कोष प्रेजेंट होता है, स्पर्मेटोफाइट के अंदर जो है पराग कोष जो होता है वो प्रेजेंट होता है, तो पराग कोष के अंदर जो है यहाँ पर क्या होते हैं? युग्मक प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि मेल गैमेट, जिसको हम बोलते हैं पोलन, पोलन या परागकण, ठीक है। इसी तरह टेरिडोफाइटा के अंदर भी ये पोलन जैसी स्ट्रक्चर मिलती है। ब्रायोफाइटा के अंदर बात करेंगे तो ब्रायोफाइटा का जो थेलस होता है, यहाँ देखेंगे ब्रायोफाइटा का जो थेलस होता है, उस थेलस के अंदर जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर यहाँ पर नर और जो मादा युग्मक धानियाँ होती है वो प्रेजेंट होती है, नर युग्मक धानी और मादा युग्मक धानी प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं और ये आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं। थेलोफाइटा की बात करें तो थेलोफाइटा जो होते हैं वो होते हैं शैवाल, इसके अंदर क्या आते हैं? हमारे एल्गी आते हैं, ठीक है, शैवाल आते हैं। तो ये जो शैवाल होते हैं इनके अंदर जो युग्मक बनते हैं, इनकी जो शैवाल की जो कोशिकाएं होती हैं, जो कोशिकाएं होती है सेल जो होती है वही यहाँ पर गैमेट का काम करती है। किसका काम करती है? गैमेट का काम करती है, जो कोशिकाएं होती है, क्योंकि एक कोशिकीय शैवाल बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी कोशिकाएं जो होती है वो गैमेट का काम करती है, और ये गैमेट आपस में क्या कर लेते हैं? फ्यूजन कर लेते हैं, आपस में इनका क्या हो जाता है? फ्यूजन हो जाता है, और फ्यूजन से यहाँ पर जो है आपका जाइगोस्पोर या जो है जाइगोट बनता है, और इस जाइगोट में फिर से मियोसिस होता है, और मियोसिस होने के बाद में वापस से ये जो है अपना सेम जिस प्रकार का एन सेल थी उसी प्रकार का नया सेल बना लेता है, और फिर वो जीवन यापन करने लग जाता है। तो यहाँ इस थेलस जिस इस थेलस के ऊपर जो थेलोफाइटा होते हैं, इनके जो थेलस होते हैं उनके ऊपर ऐसी युग्मक धानियों जैसी संरचनाएं नहीं प्रेजेंट होती, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? थेलोफाइटा। ओके, थैंक यू।